ਕਿਸਾਨੀ ਕਾ ਭਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾ ਭਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਘੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਲੀਆਂ ਜਾ ਬਣਾਇਆ। लुधियाना दे हलका गिल अधीन पेंदे पिंड कालक विखे बीते दिन जम्मू कटड़ा एक्सप्रेस लई किसानां दीआं उपजाऊ जमीनां दा कब्जा लैण संबंधी सरकार खिलाफ किसान जथेबंदी उगराहां वल्लों पिंड कोटागा विखे पक्का मोर्चा लगाया गया सी, जिस दे चलदे अज पिंड कालक विखे किसान जथेबंदी इक उगराहां वल्लों इक विशाल इकट्ठ कीता गया, जिथे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां वल्लों सरकार वल्लों कीती गई तक्काशाही दा जवाब दिंदिया मौजूदा सरकार ते किसानां दी तक्के नाल जमीन लैण संबंधी तिखे वार कीते गए। सरदार जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा, जेकर सरकार नूं किसानां दी उपजाऊ जमीन चाहीदी है तां किसानां नूं उहनां दीआं जमीनां दा पूरा मुआवजा देवे। मुल्क के पंजाब के बहादुर लोगो, मैं शब्द मुल्क के आला वर्त्या है, क्योंकि जिहड़ी पहला दिल्ली दे विच असीं जमीना की लड़ाई लड़ के आए हाँ, वह भी भावें जमीना नाल साडी जुड़ी हुई सी, असीं उह जित के मिले हाँ। भी लड़ाई जमीना नाल जुड़ी हुई है, पर इस लड़ाई का लड़न का तरीका ते उस लड़ाई का लड़न का सरीका ते तरीका ये दोनों दिया किस्म वखरिया ते वखरिया ने। वह जमीना किहड़े ढंग नाल खरीदिया जा रहा सी, ये जमीना के सीधे जबरी कब्जे करने की पॉलिसी सरकार ने तय की है। यह उस किस्म की लड़ाई है कि जावर के मूहे नागर होना कि किसी जुर्माने के हुक्म ढक के पासे करना, अपनी हित के जोर से अपने हकों की राखी करनी, यह उ लड़ाई अब तक जो योजी लड़ाई लड़ने वास्ते आए तो सानू दुश्मन वे जानकारी होनी चाहिए है कि खासा की है। असं जिन्हिया पंजाब के जथेबंदियां संघर्ष कर रही ने उन्होंने सारू जो इकट्ठे करिए सारिया जथेबंदियों सरकार अजे पावरफुल आ, पर जे असी धारणी के सरकार गोडे रब करना है तो साडा फैसला होगा कि किसी कीमत से जमीना नहीं देंगे। जमीना के कब्जे लेने ने तो थोनू सोच के आना के किनिया लाशा के उत्तों भी लंघ के डाला पड़ना है। सरदार जोगिंदर सिंह उगराहां वल्लों मोर्चे दी स्टेज तो चोना दोबारा लगाउण दा ऐलान करन तो बाद पिंड कोटागा विखे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां वल्लों किसानां दीआं जमीनां ते चोना दोबारा लगवा के सरकार नूं करारा जवाब दिता गया। रिपोर्ट सिटी लाइव चैनल लुधियाना। साडे चैनल ते हर खबर देखण लई चैनल नूं सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भुल्लो। प्रधान जी देखा जाए तो अज जिमीदार दोबारा फिर संयुक्त मोर्चा अंदोलन वांग मोर्चा लगाउण नूं मजबूर हो गया, तो अज तुसीं पिंड कालक तो भरवें मोर्चे तो बाद पहुंचे हो पिंड कोटागा दी उस जमीन ते जिथे प्रशासन ने कब्जा किया सी, चानना पाओ कि अजा हुण तुसीं अज खुद अपनी निगरानी हेठ जीरी लगवा रहे हो, दोबारा झोना बजवा रहे हो, तुहानूं लगता है कि सरकार दे उत्ते कोई असर पएगा? देखो असर सरकार ते पैंदा कि नहीं पैंदा इस गल दा सवाल नहीं, ये जमीन दे असी चैक नहीं चके, अवार्ड ते साडी सहमति नहीं है साडे किसानां दी, सरकार ने बिना साडी सहमति लिया अवार्ड जारी करके जबरी कब्जा करके
इतने जबरी जमीन नपण की कोशिश की है, असं वो विरोध से जवाब दे रहे हैं। वैसे साडा इस काम नहीं होंगे भी असं इस तरह के कब्जे किए, सरकार ने अपनी बकायदा कहा भी असं कब्जा करें तो चैनल से इंटरव्यू दी है सानू अज मोड़में जवाब देकर कब्जे च, क्योंकि इतने बंदे है नहीं साढ़े इकट्ठे, असं तो दस के आए, असं तो 27 तरीक न प्रेस नोट जारी किया भी असं भाई 29 तरीक न उत्थे कब्जा कर जावे, तुम आ जाओ, असं हूँ स्टेज तो ऐलान करके आए हैं। इस करके जी सा जमीन है जिदा अवार्ड उन्होंने जारी करता पर असी वो तो सहमति नहीं दी, इस करके साडे किसानां दी जमीन है, उन्होंने कोई चैक नहीं चके, इहदी ते सरकार दा कोई हक नहीं, जे सरकार हक जमाउंदी है तो धक्कड़शाही है, वह धक्कड़शाही का जवाब देने की खतरा सी। ते प्रधान जी जिहड़ी जमीन दे लोकां ने अपनी जमीन नूं नहीं वेचिया, आपां पंजाबी दे विच कहीए पर उन्हां दे नाल लगदियां कुछ जमीनां दे किसान वीर इहो जिहे ने जिन्हां ने रकम चुक लई है ते फिर किसी ने रकम लै ली है ते किसी ने रकम नहीं ली, इस चीज़ का उगराहां यूनियन जिहड़ी है तोड़ किस तरह लभेगी? तूं पुत मैनूं इह दस भी तेरे आले दुआले दे सारे घरां ने घर वेचते तो तेरा घर किवें विक गया? तू तो फिर ही जब तेरी सहमति होगी तेरा घर तो फिर ही विकूगा ना, जे कोई ये कहे भी तेरे आले दुआले के सारे घराने का घर बेचते तू आपके भांडे चक किवें वाजब होगी भलंगा? हाँ फिर वही ना तोड़ की है फिर इस चीज का, क्योंकि भी सरकार का यह पैंतला ठीक है, जो नहीं देना चाहता वो तुम ना लो, जब तुम उन्होंने सहमत करो उन्होंने वध किवें दे दो, हमें फर्ज कर लो मैं थोड़ी थोड़ी कोई दुकान है अड्डे टिकाने पर, मैं तुम्हें पूछा भी तुम दुकान बेचनी है, तुमने कहता भी मैं तो बेचनी मेरा रुजगार है, तो मैं तुम्हें कीमती नहीं दे देव तुम्हें जच जाए भी ठीक है, जो मैनू ना मैं कीमत मैं बेच देव यह मैं फायदा भी होगा तो नाले यदि जिद भुग जूगी, पैसे ही इन्हें देना। मैं तुम्हें एक उदाहरण दिना, मैं फरीदकोट की एक उदाहरण है, एक चौराहे के उत्ते 4 किले जमीन दी, वह आके किसी बंद ने कंपनी ने कहा भी यार आ जमीन मैं लैना चाहना, मैं इतने एक होटल पाना चाहना कुछ, वो कहता मैं तो बेचनी नहीं, उन्हें 2 बारी 3 बारी पूछा, वह कहता मैं तो बेचनी नहीं, वो किसी बंद को चल गया, वह कहता भी यार उन्हें तो जमीन नहीं दी, वह कहता तू ए कह भी यार यदा रेट मंग, वो कहता वो तो रेट भी नहीं मंगया उन्हें कोई बंदा सलाइया भेजता भी जाके तू उन्हें कह भी यार तू रेट ही यहाँ कर दे जो लाला दे ही ना सके, उन्हें की किया भी उदो 12 लाख का रेट से वो तो करोड़ रुपया रेट कराता किले का, नारे ने 4 करोड़ रुपये की 4 किले 4 करोड़ की सहमति देती, यानी वो बंदे ने इस करके रेट किया भी सरकार दे ही नहीं सकता, तो लाला दे नहीं सकता मैं करोड़, तो उन्होंने लोड़ सी उन्होंने करोड़ भी थोड़ा लग्या तो उन्होंने करोड़ ए लग्या वो 4 किले बन गए किले के उन्होंने दान समिति, इस करके जे किसानों कोई पैसे दे के सरकार की लोड़ है, सरकार की यह जरूरी चीज़ है भी सरकार ने लेनी है तो घट्टो घट्ट किसी उजाड़ना है तो वो घर में खुशहाल करके मुरादी सेबे का प्रबंध तो करे ना, ये किवें जायज है तकड़ से किवें ठीक है? जो किसान वीर की जमीन के उत्ते इस वक्त आप खड़ी हैं, ये किसान वीर की मुआवजा पालते हैं जो सरकार दे रही है उस तो कि प्लस पालते हैं? ये हम ये दसणगे जिन्होंने जमीन बेचनी है, मैं तो हूँ मालिक ये ने जमीन का मैं तो रेट कर नहीं सकता, इस तरह ना हूँ जो सारे किसान वीर ने इन्होंने जिमीदार ने कहें ना अपनी जमीन का एक तरह का बतौर लानेदार ही मूहरे रख्या होया तो उन्होंने तुम दस होगा ना, कहना मैं तो कहना भी 2 करोड़ किले का दे दो मैं करा लूंगा हौली हौली सहमति इन्होंने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੱਟੂ ਜੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਕਦਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
केंद्र सरकार और सूबा सरकार नू की कहना चाहते हो? असं कहने भी तुम जबरी जमीन अपन का पैंतला बंद करो जी, इन्हों की मर्जी ना, इन्हों की सहमति जो हूँ तक जमीन जिन्हें तुम हाईवे कड़े ने हूँ तक इन्हों की सहमति ले मनमनी उन्होंने कीमतें दतिया ने उत्तर कोई इतराज नहीं हुआ। जे इस तरह से धक्कड़शाही करूंगे तो विरोध होगा, विरोध के दोनों तरह का नुकसान। एक सवाल होर, जिस दिन का उगराहा यूनियन ने यह मोर्चा शुरू करिया तो लोगों के बीच एक चर्चा आया कि अकाली कांग्रसी जोड़े फट गए थे, अज वो मोर्चे में इकट्ठे पाए जा रहे हैं, एकता दोबारा बन रही है, उगराहा क्रैडिट दे रहे हैं। नहीं, मैंने क्रेडिट कहता लोगों की लड़ाई है, लोगों वास्ते लड़ रहे हैं, जोड़ा आजगा वह भला, जोड़ा नहीं होगा तो भला। तुम जो सोडा भी भला करते हैं तो धनबाद करते हैं, जो सा सहयोग देने साडे किसान भरावान, जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।